हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सोनाली पवार। आज का हमारा वीडियो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी क्या है बस पहले समझते हैं। बायोटेक्नोलॉजी यह साइंस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें जैविक प्रणाली और जीवों के बारे में सिखाया जाता है। बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, केमिकल इंजीनियर, इम्यूनोलॉजी, मेडिसिन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिफरेंट साइंटिफिकल प्रिंसिपल पर लागू करके मेडिसिन, एंटीबायोटिक मेडिसिन, एंजाइम्स जैसे प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट टेक्निक का उपयोग करके किया जाता है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करने के लिए आपको 12 साइंस स्ट्रीम से बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ पास होना पड़ेगा। आपके मार्क कम से कम 50% होने चाहिए। आपका एडमिशन यह कॉलेज पर डिपेंड है। अगर आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम पास होने के बाद में आपको किसी भी टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। आपके परसेंटेज के हिसाब से आप मेरिट बेस पर एडमिशन मिल जाता है, तो कुछ कॉलेज में आपको डायरेक्ट भी एडमिशन मिल जाता है। कॉलेज की फीस यह सभी कॉलेज में अलग अलग होती है, किसी कॉलेज में ज्यादा तो किसी कॉलेज में कम होती है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स करते हैं तो आपको फीस में काफी सहूलत मिल जाती है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी यह कोर्स अंडर ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है। यह कोर्स 3 साल का है और इसमें 6 सेमेस्टर होती है, एग्जाम पर सेमेस्टर होती है। आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स कम्प्लीट होने के बाद आपको आगे पढ़ना है तो आपके लिए काफी ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे आप एमबीए इन बायोटेक्नोलॉजी, डीएमएलटी कोर्स लैब टेक्नीशियन, पीजी डिप्लोमा इन मेडिसिन लैब टेक्नोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, पीजी डिप्लोमा इन लाइफ साइंस, पीजीडीएम इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन टेक्नोलॉजी, एमएससी इन टॉक्सिकोलॉजी, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन माइक्रोलॉजी, एमएससी इन बॉटनी, एमएससी इन एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, एमएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एमएससी इन अप्लाइड बायोलॉजी, एमएससी इन वायरोलॉजी, एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस, एमएससी नैनो टेक्नोलॉजी, एमएससी इन फार्माकोलॉजी, एमएससी इन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। इनमें से आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी एक कोर्स कर सकते हैं। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको जॉब के लिए अच्छी पोस्ट मिल जाती है। जैसे आप गवर्नमेंट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बायोटेक कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, बॉटनी एंड जूलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, पब्लिक यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया, यहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते। पोस्ट और सैलरी की बात करें तो इसमें आपके लिए अच्छी खासी सैलरी मिल, रिसर्च एसोसिएट बायोटेक्नोलॉजी को 2 लाख से लेकर 7,93,000 रुपए का एयरली पैकेजेस मिल जाता है और प्रोजेक्ट मैनेजर को भी 3,88,000 से लेकर 10 लाख तक का एयरली पैकेज मिलता है। रिसर्च साइंटिस्ट को भी 2,30,000 से लेकर 10 लाख तक का एयरली पैकेज मिल जाता है। सीनियर रिसर्च एसोसिएट को 2,24,000 से लेकर 8 लाख तक का एयरली पैकेज मिलता है। माइक्रोबायोलॉजी को 1,18,000 से लेकर 10 लाख तक का ईयरली पैकेज मिल जाता है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट को 1,63,000 से लेकर 5,38,000 तक का ईयरली पैकेजेस मिल जाता है। अगर आपका एक्सपीरियंस और एजुकेशन अच्छा रहा तो आपको और भी अच्छी पोस्ट और सैलरी मिल सकती है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद आपको फॉरेन में जॉब करनी है तो आप अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी यह कंट्री बेस्ट है, तो आप यहाँ पर भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।